तेरा क्या हाल करूं करूं, टांग तोड़ूं कि सर को फोड़ूं, आंख फोड़ूं या हाथ तोड़ूं, सीधे ऊपर पार्सल भेज दूं। हे प्रभु, मेरे ही लोग आस्तीन के सांप क्यों बने हैं? बता कहाँ है वो सांप कहाँ है? मुझे नहीं पता भाई, कई दिनों से उससे नहीं मिला। झूठ, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं, सच बोल, कहाँ है वो? मेरा यकीन कीजिए, कल उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। इधर, पुराने मंदिर के पीछे, उसने कहा है वो वहाँ आएगा। क्या प्लानिंग किया है तुम लोगों ने मेरे को मारने का? ना बता जल्दी, मुंह नहीं खोलेगा तो तेरा मुंह परमानेंटली बंद कर दूंगा। इस गलती की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मारो इसे, हमसे गलती करेगा। मारो, मारो करेगा। हमारी करता हमसे। थाली में छेद। हम लोग हैं रेडियो मिर्ची से। आपका फेवरेट हीरो कौन है? साउथ से नॉर्थ तक, बॉलीवुड से टॉलीवुड, कॉलीवुड से हॉलीवुड तक, एक्शन का किंग, रोमांस का शहंशाह, कॉमेडी का बाप, स्टारों का स्टार, मेगा स्टार। हे, दूध मांगो खीर देगा, रसमलाई मांगो रबड़ी देगा, अपने को तो वही हीरो लगता है। वो मर्द है, उसके जिगर में दम है, शेर का सीना है, पर्सनालिटी एकदम जकास है। वो जब अपनी मूंछों को ताव देता है ना, दुश्मन की फट जाती है। हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, ही इज माय डार्लिंग। देखा जाए तो उसके जैसा कोई नहीं। मैं आज ही मंगेतर को उसके लिए छोड़ सकती हूँ। शेर जैसी चाल है उसकी, चील जैसी नजरें हैं, आशिकों का आशिक है वो, दुश्मनों का बाप है। चलो नाचो। मुझे श्रीकांत बहुत पसंद है, उसकी क्यूट सी स्माइल और डिंपल्स भी। उत्तर कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ। दम है तो आजा, आजा कुत्ते। सबको हराऊंगा, वो भी अकेले। देखो ना, मेरी वर्दी नहीं, मेरे दिल के ऊपर भी सत्य में जयते लिखा है। राष्ट्रपति का शोक स्तंभ पर चार शेर है और पांचवा शेर मैं हूँ। शांत हूँ तब तक हवा हूँ, गुस्सा आ जाए तो तूफान हूँ। माँ कसम, मैं उड़ा ले जाऊँगा सबको। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी आदमी पे पड़ता है ना, वो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। क्या रे, कोई मंत्री संतरी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे उनका राज नहीं चलता, यहाँ पे तेरे मेरे जैसे पब्लिक का राज चलता है, क्या समझा? यहाँ का बाप है बाप, मुझे मत सिखा। ए, सुना क्या? तू चिंगारी है तो वो आग का गोला है, ऐसा फटेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, समझा क्या? ग्रीन चाय, गरम गरम अमीरों वाली चाय। अरे फिल्म तो एकदम सुपर हिट है, हीरो तलवार है तो हीरोइन भी एकदम कोयते की धार है। रुकिए, हम लोग मूवी रिव्यू के लिए नहीं आए हैं, हम लोग तो रेडियो मिर्ची से टीवी पे आए हैं। भाई साहब, आपका फेवरेट हीरो कौन? मूर्ति मुरली वाले। मूर्ति, कौन मूर्ति? आंखों में मासूमियत, गोल मटोल से चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान, भोला भाला प्यारा सा इंसान, वही है मेरा सुपरस्टार। अरे आया रे मुरली वाला, सबकी बजाने। बहुत अच्छे भैया, धन्यवाद। आपने रियल लाइफ हीरो के बारे में बताया, आपने कभी रियल लाइफ हीरो को देखा है? एक बार देखा था। कब और कहाँ? कल की बात है, मेरे आँखों के सामने एक जोरदार पंच पड़ा, अन्याय करने वालों का खात्मा करने वाला आ गया। उसके बाजुओं में शेर के पंजे जैसी ताकत थी, उसकी आंखों में रौद्र रूप था, उसके एक मुक्के से दुश्मन ढेर। गुंडे उसे थर थर कांपने लगे। कौन था वो? गणपति बाप्पा, लोग मुझे राउडी और आवारा कहते हैं, कोई वाहवाही करता है तो कोई बेइज्जती, कई लोग तो मुझसे जलते हैं, मुझे इतना स्मार्ट क्यों बनाया? थोड़ी सी स्मार्टनेस वापस ले लो और उसके बदले आप बस मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए। मुझे टीवी खरीदना है, उसके अलावा एक और छोटी सी इच्छा है, माँ टीवी चैनल का हेड बना दीजिए, चंदन का टीका लगाऊंगा। हाय बनी। हाय, कितने नखरे। गुड मॉर्निंग। ये कैमरामैन को दे दे। छोड़, बॉस को जाके मिल। क्या हुआ? टकलू आ गया? सुनेगा तो फटके मिलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, चैनल को टॉप पे लाना है तो टॉप क्लास के प्रोग्राम चाहिए, घर के कुकरी शोज में अपना और चैनल का टाइम वेस्ट मत करो। शायद मैडम का फोन आ गया सर। हेलो सुजाता, हाँ याद है, टेलर से तुम्हारा लहंगा लाना है, हाँ गोल्डन बॉर्डर वाला, ऊपर से चमकीला सितारों की डिजाइन वाला, हाँ हाँ याद है। तो
अपने फैमिली मेंबर्स को प्रमोट करना बंद करो। कपड़े धोना, बर्तन चमकाना सब भूल जाओ। सवाल ही नहीं है सर, नए कपड़े सिलवा लूंगा। टेलर की याद मत दिलाओ। उसे तो कब का भूल गया। सर हमारे उस ट्रैवल प्रोग्राम के लिए मुझे भी कुल्लू मनाली जाने की परमिशन दीजिए। लल्लू लाल तुम क्राइम वाले हो तो क्राइम में ही ध्यान लगाओ, इमोशनल और डिवोशनल होने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर नीचे गोल्डन बॉर्डर और ऊपर चमकीले सितारे, भूलिएगा मत सर। अपना काम करो। वैसे तुम कौन से शहर से हो? हैदराबाद सर। पहली बार तुम जैसे नमूने से पाला पड़ा है जो अपने बॉस की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। जाओ जाओ। हाँ जी मामा। चंद्रमोहन बड़े गुस्से में है, कब से तेरे नाम से चिल्ला रहा है। अंदर वो टकलू बाहर ये चंद्रू। आज सीनियर से डांट खाली, कल जूनियर से खाऊंगा। बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। चंद्रमोहन जी गुड मॉर्निंग सर। शहर में नकली शराब बन रही है, रिपोर्ट बनाओ। शाम के 5 बजे तक उसकी पूरी रिपोर्ट आपके टेबल पर होगी। तुम कब से इतना सीरियस हो गए? सिर्फ सीरियस नहीं सर, सिंसियर और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का डी भी नहीं है। बाप को नाम से बुलाते हो बेशरम, चंद्रमोहन बुलाते हो। नाश्ता किया? दूध पी लिया? भगवान से 10 करोड़ मांग लिए? मांगने से नहीं मिलने वाले, मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों जैसी हरकत करते हो, कच्चा भी सुखाना नहीं आता तुम्हें। शर्म करो, घोड़े जैसे लंबे हो गए हो। नॉर्मल बाप अपने बेटे के छोटे से छोटे काम से भी खुश हो जाते हैं, पर मैं अपनी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत भी उठा लूं तो भी आप इसी तरह शिकायत करते रहेंगे। रिपोर्ट चाहिए ना, मैं लेकर आता हूँ। मैं अंदर जाना, किसी को शक ना, संभल के जाना। लेट्स गो, ध्यान से। भाई वो दोनों भाग रहे हैं, पकड़ उसको। ढूंढो ढूंढो सब जगह ढूंढो उसको। अबे तू है कौन? मैं नहीं जानता तू कौन है, ये भी नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन ये जानता हूँ कि किसी को मारना जुर्म है। तो तू भी मर इसके साथ। मैं तो इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, तुझ में दम है तो रोक के दिखा। मेरा मुंह क्या देख रहा, मारो इसे। Oh, my God.
अंदाजा भी है किसे मारा है तुमने? थंगवली का बेटा है वो, जानता भी है कौन है वो। जीवा का नाम सुना है कभी? बहुत खतरनाक है वो, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कहाँ है मेरे बेटा, कहाँ है? क्राइम न्यूज कवर करने गया था, खुद क्राइम करके आ गया। ये भी कोमा में है। सुन, तू यहाँ से चला जा। लेकिन ऐसे अचानक कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जा, लेकिन यहाँ पर मत रहो। किसने मारा, किसने मारा मेरे बेटे का? तूने मारा, तूने मारा, बोल। जाओ सर। हाँ? आपका वो ट्रैवल प्रोग्राम है ना, मैं वो शूट कर लूंगा। अरे उसके लिए अलग से यूनिट है ना। सर, उस यूनिट को किसी और काम पर लगा दीजिए, मैं कवर करता हूँ ना सर, प्लीज। तुम मुझे हमेशा फंसा लेते हो, देखो ना तुम्हारे पापा कितने टेंशन में है। जाओ अभी निकलो कुल्लू मनाली के लिए। कौन है वो? उसका नाम बनी है। कहाँ मिलेगा? अगर वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ है तो ये मेरे पापा हैं, उन लोगों को मत बताना। ओके, भाई कैसे आना हुआ? बनी कहाँ है बोल। आपके बेटे को मारने के बाद आया ही नहीं, वेताल के जैसे गायब हो गया सर। ए, कॉमेडी कर रहा है, बोल कहाँ है वो चपड़गंजो? सच में नहीं पता। सुन सर, मुझे बनी चाहिए, जहाँ कहीं भी होगा ढूंढ निकालो। पता चलते ही मैं आपको फोन करता हूँ। उसके घर में कौन कौन है? वो यहाँ अकेले ही है, उसकी फैमिली नहीं है सर। मुझे तो लगता है वो यहाँ से भाग गया होगा। अबे भाग के कहाँ जाएगा वो? अबे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ कहीं भी हो पूरा शहर छान मारो और जहाँ दिखे उसे काट देना। चलो चलो जल्दी कर, चलो जल्दी करो। चलो फाइनली हम लोग कुल्लू मनाली पहुंच तो गए। लेकिन अगर हम यहाँ आकर छुपे हैं, इस बात का उन गुंडों को पता चल गया तो हमें इन पहाड़ियों से फेंक देंगे। लड़कियों को सोने के लिए नरम नरम गद्दे मिल गए। वाह रे वाह, और हम यहाँ पर सिकुड़ रहे हैं ठंड में। ओ मैनेजर साहब, वो सुंदरी मुंदरी को उठाओ। लड़कियों चलो उठो, ठंड के मारे एक दूसरे पर ही सो गई हो। एक दूसरे पे सोए हैं? क्या बात है। हाय मैं हूँ सोनिया, हम इस वकत बर्फीली पहाड़ों के ऊपर है और मेरे पीछे मेकअप कर लो, बहुत लेट हो रहा है। पहले मेकअप पूरा हो जाने दे, बाद में शूट कर लेना। बनी बनी क्या देख, बहुत सारी सुंदरियां हैं। Hi. Hi. Hello. Nice meeting you. Sonia, Gorama! एक handsome लड़का आया है। बड़ी प्यारी आवाज है। Thank you. तुम कौन हो बेटा? क्या चाहिए? नमस्ते गुरुमा, मेरा नाम बनी है, मैं माँ टीवी से हूँ। मैं अनंतपुरा से हूँ। अच्छा। बस हम जानना चाहते थे आप सब यहाँ। हाँ। सन्यासी, हम सब सन्यासी हैं। माता शिवानी। जी गुरुमा। यहाँ घूमने आए हो? मैं और मेरी टीम यहाँ एक ट्रैवल प्रोग्राम शूट कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है रमा प्रभा। मैं शिवानी, बिल्कुल कुमारी। ये है सरस्वती। No, ये रानी। नाइस मीटिंग यू। अरुणा। हाय। हम सब भारतीय हैं। अच्छा। और वो लड़की वैशाली, वो कहाँ से है? वो बंगाल से है। बंगाली है? उसे हिंदी तो आती है? तुम्हें बंगाली आती है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह उसे भी हिंदी नहीं आती। उससे बात करनी हो तो? तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कह सकते हो, मैं कह दूंगी। बाय। बाकी सब फूल ठीक है, बीच में सिर्फ एक गेंदे का फूल है, वो भी बासी मुरझाए हुआ गेंदे का फूल है।
शंकर, हर हर महादेव, शंभु शंकर। आ गया हमारा मनाली, मेरे लाठी गोल 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 घूमे और बोले शंभु शंकर। ये तो बिल्कुल आश्रम वाले बाबा लगते हैं। नमस्ते सर, भाई लागू माँ टीवी से आए हैं। आप बलवान खान को जानते हैं? ए बलवान खान कौन है? बड़ा स्टार है फिल्मों का, बॉलीवुड। मैं रोज देखता हूँ। क्या बात है स्वामी जी? आसमान के स्टार्स देखता हूँ, सुपर स्टार्स को नहीं देखता। ये आशा वाला लगता है, आश्रम वाला नहीं। करे स्वामी जी, आई मीन आपका नाम क्या है? गोल पृथ्वी पर मेरा नाम घूमता है बाबा स्वामी। स्वामी जी, स्वामी जी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आप इतने महान सिद्धि योगी कैसे बने स्वामी जी? तैयार है ना सब? रेडी स्वामी जी। मेरी कहानी टीवी पर आने वाली सास बहू की कहानी की तरह है, कोई आम कहानी नहीं है। झटका, फटका, मटका, सब कुछ है मेरी कहानी में। क्लाइमेक्स तो एकदम सनसनी खेज है। बताऊं? बताइए ना, बताइए बाबा जी, बताइए ना, बताइए ना। ए, 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 कैमरा बंद कर। क्या हुआ, टेप है अंदर? 2000 की कड़क नोट चाहिए। हाँ, हाँ, दे दो, कर दो, दे दो। बोनी स्वामी जी, दक्षिणा स्वीकारिए। चलेगा। कहानी है 1996 की। मैं बैंक में कर्मचारी था, वहां की कैशियर से प्यार हो गया। उसके पास माल था। एक सुबह की प्रातः काल, ये ठोकने की आवाज, जॉगिंग कर रहा था। चल 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 अंदर बैठ, चुपचाप। गन रख कर किडनैप कर लिया। वो कौन थे स्वामी जी? कितने पैसे दे के पास हुआ है? अनपढ़ कहीं का। सही पकड़े हो। स्टोरी सुना गे। 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, 5 करोड़ ला कर दे। बैंक के चपरासी के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? मैंने भी उनको वही पूछा। रिटायर होने के बाद प्रोविडेंट फंड में 50,000 भी नहीं मिलेगा। मैं बैंक में चपरासी हूँ, सच कब तक छुप पाता? शक्ल से वो समझ गए कि मैं फटीचर हूँ। गलत शंकर को उन्होंने पकड़ा। ओ शिट, सॉरी दोस्त, हमसे गलती हो गई। बुरा मत मानना, किसी और को उठाना था, तुझे उठा लिया। आज रात यही सो जा, कल मैं तेरे को छोड़ने आऊंगा, प्रॉमिस है अपना, ठीक है ना? थैंक यू। वहाँ लकड़े की खाट बिछाकर मैं चारपाई पे सो गया और खर्राटों में डूब गया। फिर क्या हुआ बाबा? नींद से मत जगा। पहला एपिसोड खत्म, दूसरे एपिसोड के लिए हाथ में खुजली हो रही है। 2000 निकाल खुजली मीटा। फ्री में सब्सक्रिप्शन चाहिए बाघा। यार वो सन्यासी क्यों बनी होगी? नहीं तो क्या करेगी बेचारी, बचपन में बाल विवाह हो गया होगा। 15-20 बच्चे होने के बाद लाइफ में एक्साइटमेंट बचता ही नहीं। अबे सड़े हुए कोयले, गुरु माँ की नहीं वैशाली की बात कर रहा हूँ। सॉरी दोस्त, मुझे लगा गुरु माँ की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मसाला वाला और भी चटपटा लगता है भाई। चावल दू थोड़ा? नहीं नहीं नहीं। अबे किसकी बात कर रहा है तू? आलू की बात कर रहा हूँ मैं। वैशाली, बंगाली, तुमसे प्यार हो गया, तुम्हें अपना बनाऊंगा। शिवानी जी, मैं हूँ बनी। ओ छबीले, तुम हो? गुड मॉर्निंग, हाय हाय, गुड मॉर्निंग, हाय हाय। वाओ, क्या जबरदस्त गुफा है। यहाँ कैसे आना हुआ? आपसे बात करनी थी, मैं रिपोर्टर हूँ ना, तो थोड़े सवाल करने थे। वैसे आप किस धर्म से हैं? हम किसी धर्म को नहीं मानते, मानवता ही हमारा धर्म है और वही सबसे बड़ा धर्म है। और आप किस भगवान की पूजा करती है? शिवानी जी, गुरुमा, तुम्हारी मधुर आवाज गूंज रही है। माफ कीजिए गुरुमा। ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता और ना ही कोई नाम होता है।
योग करने के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं होती। और क्या जानना है तुम्हें? गुफा के अलावा आप रहती कहाँ हैं? यहाँ पास में हम लोगों का आश्रम है। तो अगला इंटरव्यू वहीं करेंगे? वहाँ मर्द नहीं आ सकते। ऐसा मत कहिए मैडम, मुझे सन्यासियों से बहुत प्यार है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी सन्यासी बन जाओ। नहीं मैडम, आप मेरा मतलब नहीं। देखो बेटा, मैं अच्छे से समझ रही हूँ, तुम्हारा ध्यान दरअसल कहीं और है। हाँ ये तो सच है। तुमने कहा तुम ट्रैवल शो शूट करने आए हो, तो जो काम करने आए हो वो करो ना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ। बेटा हमें जरा ध्यान लगाने दो। हाँ प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। शिवानी इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। चले चले सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो चलो थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताओ ना। हाँ फिर मिलेंगे। करना जरूरी नहीं है, मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो। अरे कितना ताड़ोगे, नजर लग जाएगी, चलो जल्दी। बताओ वो कैसे दिखता है? बॉस वो तो एकदम हैंडसम हीरो जैसे लग रहा था। अबे उसका हुलिया बता, उसकी तारीफ मत कर। क्या वो लंबा सा तगड़ा है? नहीं, अपने बॉस के सामने उसकी हाइट कम है, दिखने में ठीक ठाक है। मतलब वो कोई पहलवान है क्या? नहीं वो पहलवान नहीं है, बस मामूली है। पर उसकी मार मामूली सी नहीं थी गधे। मेरा रंगा कोमा में है और कोमा में रहना कोई मामूली बात नहीं है। ध्यान से सोच के बता। मैंने इसका दोबारा जांच किया है, इसकी हालत अभी भी सीरियस है। 24 घंटे से पहले मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ए डॉक्टर, तेरे मुंह से ये सब सुनने के लिए नहीं आया मैं। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना, वरना तू गया। मैं तुम्हारी नाराजगी को समझ सकता हूँ, पर तुम मुझ पे क्यों भड़क रहे हो ये समझ में नहीं आया। लेकिन विश्वास रखो, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। आए, ओए खाकी वर्दी वाले, यहाँ मूर्ति बनके खड़े मत रहो। मूर्ति बनके खड़े मत रहो। उसे ढूंढ के ला जिसने मेरे बेटे को मारा। उसे ढूंढ के ला जिसने मेरे बेटे को मारा। क्या देख रहा है? मुँह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। खान चाची ना बाहे पसीना में हम यही डायलॉग डालेगा और हमारा फिल्म हिट हो जाएगा। झूठी झूठी रमा प्रभा, झूठी झूठी रमा प्रभा, झूठी 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 रमा प्रभा, झूठी झूठी रमा प्रभा, झूठी झूठी। ये धरना किस लिए? आपने मुझसे झूठ कहा कि वैशाली को हिंदी नहीं आती। जानती हैं इससे मेरा कितना नुकसान हुआ? इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? उसे हिंदी नहीं आती तो मेरा कनेक्शन जुड़ते जुड़ते कट हो गया, बोलती बंद हो गई। मैंने अपने दिल के जज्बातों को दिल में ही दबा दिया गुरु माँ। अगर उसे हिंदी आती तो अब तक मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी ना किसी तरीके से उसे फंसा ही लेता। जानती थी इसीलिए तो झूठ बोला। गुरु माँ मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी, अपने दिल की बात बता देता हूँ। मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूँ। पता नहीं ये क्या सोचती है, पर अब इसे मनाना आपकी जिम्मेदारी। मैंने फैसला कर लिया, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और शादी करूंगा। That's it. मेरे साथ आओ। इतनी जल्दी मान गई? आओ यहाँ बैठो। मुझे देखते ही तुम्हें प्यार हो गया। तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगती हूँ? बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। तो बताओ कि तुम्हें मेरे मन से प्यार है या तुम मेरे इस तन से प्यार करते हो? ऑफ कोर्स तन से। तुम्हारे मन में क्या है ये मैं कहाँ जानता हूँ। पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, ब्यूटीफुल स्माइल, एकदम गोरी चिट्टी हो, और क्या चाहिए। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें मेरे इस तन से प्यार है बल्कि मेरे मन से नहीं। ये तन तो मिट्टी का बना है, मतलब मरने के बाद तो हमारा ये शरीर नश्वर हो जाता है और हमारा खून भी पानी बनकर मिट्टी में मिल जाता है, सिर्फ हमारी आत्मा ही बचती है। यहाँ तक हमारी सांसें भी हवा में मिल जाती हैं। ओह, तो ये मिट्टी है? वाव, ये मिट्टी कितनी नर्म है ना। तो इस मिट्टी के लिए तुम्हें कोई मोह नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं है, अच्छी बात है। मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? हाँ जी बोलिए। स्मॉल फेवर। हाँ हाँ। मेरे साथ एक रात गुजारेंगे? शरीर तो मिट्टी है ना, अपनी फालतू फिलॉसफी मुझ पर मत झाड़ो। कहती है सिर्फ मिट्टी है, अगर इसे सिर्फ मिट्टी समझती हो तो इसका ख्याल क्यों रखती हो? सब कुछ करना बंद कर दो। ये रोज रोज नहाना, योगा, मेडिटेशन, सब्जियाँ खाना, फल खाना, सेहत का ख्याल क्यों रखती हो? चलो गुरुमा यहाँ से, ये बेकार की बातें कर रहा है। जवाब तो दो।
रंगा रंगा मेरा बेटा ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? इसको अभी होश आ गया है, आप लोग इससे बातें कर सकते हैं। रंगा मेरा बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्यारा बच्चा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ आई है, तुम्हारी माँ आई है, तुम्हारी माँ, देखो तुम्हारी माँ आई है। माँ, आपका रोना देख के हमारा रोना निकल गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आंखें खोल रंगा। बढ़िया लोकेशन है, अच्छे से शूट करना। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया। चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ। मैंने भी देखा। क्यों भाई, दादागिरी है? ऐसे ही फ्री में उठा के लेके जाएगी? फ्री में नहीं, मैं भिक्षा मांग रही हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहा। भोली भाली शक्ल बना के झोला लेके ऐसे खड़ी रहोगी तो दुकानदार को सामान देना ही पड़ेगा ना। Yes, I am begging. बाप रे, इंग्लिश में भीख मांग रही है। गुलाबो, एप्पल चाहिए क्या? जी। आजा, ले ले। एक काले कौवे, चोंच बहुत लंबी हो गई है, लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। कब से तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो मुझे छेड़ ही रहे हो ना। क्या कहा? इस कौवे से तुम मेरी बराबरी कर रही हो? कर रही हूँ। मैं हीरो हूँ और ये विलन है। कचरा कर दिया, मुझे विलन से कंपेयर किया। मैं तो सोचता था मेरी शक्ल और हरकतें हीरो जैसी हैं। पूरी हवा निकाल दी। एप्पल नहीं चाहिए क्या? चलना, इससे और रसीले एप्पल दिलाता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे गालों की तरह लाल और रसीले। कब से देख रहा हूँ साले लड़की को छेड़े जा रहे हैं। देखो हाथ पूरा रखके दूंगा, हीरो बनने आ रहा है, आंखें तोड़ के हाथ में दे दूंगा। इसे दिखाई मत देना, चल निकल यहाँ से। इसे माफ कर दीजिए, आप जाइए। आना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। उस पर हाथ क्यों उठाया तुमने? क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा था। अगर किसी को सजा देने का हक है तो भगवान को है, तुम कौन होते हो सजा देने वाले? तुम्हें अब तक पता नहीं चला? मुझे भगवान ने ही भेजा है, तुम बस देखती जाओ, मैं इन्हें एप्पल खिला के आता हूँ। क्यों बे कौवे? नहीं, रुको, एप्पल खिलाने का शौक है ना? ऐसा मत करो। तू रुक प्लीज। सलाम कर रहे हो, इतनी जल्दी डर गए क्या? आइए आइए आइए, पहले आप आइए। रुको। अरे वाह, क्या बात है, मुझे आप लोगों की खातिरदारी बहुत अच्छी लगी। आइए आइए। अरे वाह, क्या मस्त जगह है, कोई दावत वावत है? आइए आइए, खुद ही देख लीजिए। अब समझ में आया, तो बकरे को हार पहना के बलि देने लाए। ये कुंग फू है क्या? मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारा ब्रूस ली स्टाइल, मेरा फ्री स्टाइल, दोनों फाइट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओ, समझ में नहीं आया क्या? फाइटिंग मिक्सअप हो जाएगा, समझे? बहुत जोर की मारी यार। कैसा लगा? यू नो, हैदराबाद मेरा शहर है, मैं तुम्हें यहाँ मारूंगा, उसकी गूंज वहां सुनाई देगी, समझे? अब कैसी लगी? पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? कितना मरेगा पहले तो? छूटा सा कर क्या? Yeah.
अरे कितना टाइम पास करोगे आओ लगी ना कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है हेल्प करने क्यों नहीं आया? तू ठीक है ना? अरे ये सब छोड़, उसने सच में तेरे लिए डिशुम डिशुम की? छे, काश मैं ये सब लाइव देख पाती। जब से मैं सन्यासन के रूप में आ गई हूँ ना, तब से चक्की कुमार की एक फिल्म नहीं देखी। इससे पता चलता है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है, इसीलिए तो खतरनाक कुंफू वालों से भी भिड़ गया। उसकी डोनेशन देख के तुझे भी उससे प्यार हो गया ना? सुनना, वो बहुत ही हैंडसम है, एकदम हीरो लगता है, और तो और मुझे भी बहुत पसंद है। तुझे तो उसे शादी के लिए हाँ बोल देना चाहिए। शादी कर लूँ, पर आप तो जानती है ना मैं सन्यासी हूँ। अरे ये तो मैं भूल ही गई कि तू सन्यासन है। मुझे कुछ करना पड़ेगा है। What's it all about? Where's the hose? जंगल में नक्सलवादियों ने घेर लिया। ये अंडरकवर का ऑपरेशन कब से कर रहे हो? भैला मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पुलिस का मुखबिर बनकर जासूसी करने आया है? पुलिस की? उनके साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा है। उनकी तो धुलाई करके मैं भाग रहा था। मैं नक्सलवादी से कम थोड़ी ना हूँ। जिगर से हूँ मैं शेर, सांप का भरा है मुझ में जेर। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब गए मुझे भाई। उन्होंने मेरी धुलाई की, मार मार के काला पीला कर दिया। कंफ्यूज था कि बीबी पहचानेगी कि नहीं। समय समाप्ति की घोषणा। पैसा लाओ। ए, कोई चीटिंग नहीं? ए, पता डाल। ए, गुरुमा और उनकी शिष्या जा रही हैं। अरे ये गेम छोड़ो, उनको रोको। अरे अरे वो आ गए। हेलो हेलो गुरुमा। ए गुरुमा जी। नमस्ते 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 नमस्ते। मैं छोटी हूँ। आइए आइए हमारे घर खाने में। आइए हमारे छोटी घर में। नमस्ते गुरुमा। नमस्ते जगह दे। वैशाली मैं मेकअप करके दूंगा। अच्छा सुनो गाइस, चैनल के लिए गुरुमा का इंटरव्यू ले लेंगे, अच्छा मौका है। चल मनाली। मैं ये बताइए, आत्मा से परमात्मा का मार्ग क्या है? उस मार्ग के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन एक मार्ग के बारे में जानती हूँ। जिस मार्ग से तुम्हारा दोस्त बनी, पीछे टेंट के रास्ते वैशाली से मिलने जा रहा है। गुरुमा को तो सब पता चल गया। कैसे पता चला? अरे बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद तो नहीं किए हैं। काम त्राणम न भयम न लज्जा। अपने काम के बारे में कुछ बोल रही है? इंसान जब काम वासना में अंधा हो जाता है, तो वो शर्म हया धर्म सब भूल जाता है। ऐसा मत कहिए गुरुमा, प्यार तो भगवान की तरह होता है, वो तो उसे प्यार करता है। वैशाली कोई आम लड़की है जिसे वो प्यार करेगा? तो अरे वो सन्यासन है। मुझे बस एक ही बात का डर है, कहीं तुम्हारा दोस्त कुछ गलत नहीं, 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 नहीं। वो बस दिखने में ठरकी है, पर है बड़ा संस्कारी। हाय, कहाँ जा रही हो? अरे रुको,
देखा ना, मैं पास आया तो दिल की धड़कनें तेज हो गई ना, माथे से पसीना छूट रहा है। सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी वही हाल है। एक बात कहूं, तुम जिस रास्ते पे हो ना, वो रास्ता गलत है, और अगर रास्ता सही है तो फिर तुम गलत हो। तुमसे जरूरी बात करनी है, आराम से बैठ के बात करते हैं। बैठो, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, बैठो। देखो क्या कमाल की खूबसूरत हो, सो ब्यूटीफुल। दिमाग क्या घास चरने गया था? क्या हुआ, मुझ पे गुस्सा आ रहा है? आए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं खुद माँ टीवी में प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ, महीना 50,000 तनख्वाह है। मेरे पापा चंद्रमोहन भी वहीं काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 80,000 है। अगर मैं अपनी पूरी तनख्वाह उड़ा भी दूं तो भी उनकी तनख्वाह से घर चल सकता है, खुश ना? और सुनो, बड़ा आलीशान एक घर है, हा? दो दो गाड़ियां हैं, ऑलमोस्ट अमीर घर का हूं मैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सुनो, फल और सब्जियों की भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, खरीद सकती हो, समझ गई ना? ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, जब कभी इमोशंस जाग जाएं, मुझे बस मिस कॉल देना, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके, मैं चलता हूं, बाय। ज्यादा देर नहीं रुक सकता, जो लोग मुझे आवारा समझते हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम जैसी परी मेरी लाइफ में आई है तो जल के खाक हो जाएंगे, और मैं वही चाहता हूँ। ओके, फैसला करके बता देना, बाय। तू बनी कौन जानता है? जानता हूँ। क्या वो तेरा दोस्त है? हाँ भाई। नंबर है क्या इसमें? हाँ है। यही यही क्या? यही है भाई। इधर बनी का नाम लिखा क्या? हाँ भाई। तेरा फोन निकाल, निकाल, तेरे फोन से इस नंबर पे फोन लगा, लगा, चल दे। ये देख, सुन बे, स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। हाँ चंद्रमोहन सर, कैसे हो, कैसे याद किया? मेरे दिए पैसे कब लौटाओगे? मुझसे उधारी लिए है। पैसे लौटाऊंगा? कौन से पैसे? मुझसे 25,000 लिए थे, भूल गए क्या? बोल कब लौटाएगा मुझे? अरे देखने तो देना, पर और अगर नहीं लौटाए तो क्या कर लोगे? मैं क्या कर लूंगा? तेरे बॉस से कहकर तेरी सैलरी कटवा दूंगा मैं। मेरी सैलरी से एक रुपया भी कटाना तो आज ही चैनल से रिजाइन करूंगा। ये फालतू बकवास बंद करो और फोन काटो। क्या पूछूं, कहाँ है वो? अरे तू है कहाँ? मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, अब फोन रखो। अबे बनी के बच्चे, कहाँ है तू? और आपकी तारीफ? तेरे बाप का दोस्त बोल रहा हूँ मैं, तेरे घर पे जाना है गोटियां खेलने, एड्रेस तो दे। लिख लीजिए अंकल। बोल बेटा, लिख बे। फोर्थ एवेन्यू 59 सांता कार्गो, 59 सांता कार्गो, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरा बाप वहीं रहता है, जाके गोटियां खेल लो। ए, वो कमीना तुम्हें बना रहा है और तुम बन रहे हो। किसी भी हालत में मुझे उसका एड्रेस चाहिए, ढूंढो, फोन कंपनी में जाके उसका एड्रेस निकालो, जाओ हटो, किसी काम के नहीं है। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? जिसके मन में प्यार बसा हो उससे रात या दिन क्या फर्क पड़ता है, उसे बस प्यार ही प्यार दिखता है। बस पका मत, अब सो जा। तो क्यों थे और वापस क्यों जा रहे हो? गुरुमा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, दो रातों से नींद नहीं आ रही है, दिलो दिमाग पर बस वैशाली छाई है। सोचा देख लूं क्या वो भी मेरी तरह करवटें बदल रही है, या फिर सोचा आश्रम है, रात का वक्त है, कुछ सन्यासी तो नींद में बड़बड़ा रही हैं। सोचा ये सब सही नहीं है, इसीलिए वापस जा रहा था। तुम्हें देखकर मुझे अपना बेटा याद आ जाता है।
उम्र ही ऐसी है बेटा, प्यार का बुखार थोड़े दिन में अपने आप उतर जाएगा। मेरी बात मानो, उसे भूल जाओ, जाके सो जाओ। ठीक है गुरुमा, गुड नाइट। असर हो गया इस पर, उसने बिगाड़ ही दिया इसे। नंगा बेटा, इतना गुस्सा नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, कुछ तो खा लो। एप्पल खा लो। तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, उस बनी को मारने की। इनसे पूछिए ना, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्या इन्हें शर्म नहीं आती? बस मैडम से भड़क गया। कहाँ है वो बनी, कहाँ है वो? फोन कर, अभी बात करनी है मुझे। सब तमाशा देख रहे हैं, दे मुझे। किधर है तू, किधर है, बोल। ये कोयल जैसी सुरीली आवाज किसकी है? मल्लिका, रंगा की माँ। तूने मेरे बेटे को मारा ना? आपको भी मार कर उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। हा? मुझे भी मारेगा, मुझे भी मारेगा तू? क्या रे शाने, क्या बोल रहा है तू? यही के तेरी पूरी फैमिली को एक साथ कोमा में पहुंचा देता। अबे ए, फोन पे क्या धमकी दे रहा? सामने आना, सामने तो तेरे को बताता हूँ। दे मुझे। अबे गधे, कहाँ है तू, कहाँ छुप के बैठा है? हिम्मत है तो बता, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ये भयानक आवाज किसकी है? मेरा नाम जीवा है बच्चों। जीवा सुन ले, अगर मैं वहाँ आया तो तेरे हाथ में कमंडलू पकड़ा कर चार धाम की यात्रा करने भेज दूंगा। अपना गुस्सा अपनी जेब में रख। अपना एड्रेस दे, एड्रेस दे अपना। जब देखो एड्रेस, एड्रेस पोस्टमैन है क्या? चल फोन रख। पक्का रहा है, आ रही है, आ रही है मेरी जाने मन। मामा भांजे, ये लड़की कैसी लगती है आपको? ऐसा लगता है भांजे जैसे गंगा से नहा कर निकली हो और दूध से अभिषेक करने के बाद तुलसी का प्रसाद लेकर कोई पवित्र देवी सामने आई हो। मामा पता है ये मुझे कैसी दिखती है? एकदम पटाखा। छी, नजर में खोट है तेरी। नजर में खोट नहीं है, इसे देखकर आंखों में चमक आ जाती है। एक बार मेरे दिल की आंखों से इसे देखो मामा। हमें बहुत बोर हो रहा है, चलो जल्दी से कोई गाना सुना। बचपन से रक्षाबंधन में चाहे राखी ना बांधी हो, लेकिन आज इस भाई की जान तेरे हाथ में है खुखार बहना। कितना बेसुरा गाता है यार तू, माँ कसम बाथरूम सिंगर भी तुझसे अच्छे होंगे। डाकू लोग, मुझे लोटा मिलेगा क्या? बाथरूम जाना है, दो दिन से मैं नहीं गया हूँ। बैठ, इधर ही हो जाएगी। बैठ, बोला ना। निकाल। नहीं छोड़े। कौन हो तुम? मैं शंकर हूँ, अर्जेंट छिछी। इसमें क्या है? धोने के लिए पानी है। चेक करो। सर पानी को क्या चेक करोगे? सर्जेंट ये तो लिक्विड आरडीएक्स है। आरडीएक्स, मेरे पुट्ठे उड़ जाते हैं। आरडीएक्स से क्या उड़ाने वाले थे? बोलो। आरडीएक्स। उसके बाद क्या हुआ? एपिसोड खत्म हो गया, इतने बजट में इतना ही। ऐसा मत कहो बाबा, कल हम यहाँ से निकल रहे हैं। दुनिया से निकलो, मेरे को भी ले चलो। अगर आगे की स्टोरी सुननी हो तो 2002 विद जीएसटी। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों, मैंने कुछ किया भी नहीं है। आइंदा मेरे नजदीक भी आए ना तो खून कर दूंगी। क्या बात है, इतना भड़क गई? मुझे मारना चाहती हो? मौका मिला तो मार दोगी? हाँ हाँ मार दूंगी। वही तो, तुम्हें सन्यासी वाली कोई खूबी नहीं है। असल में तुम सन्यासी हो ही नहीं। तुम में और कई सारे इमोशंस भरे हैं पर तुम उन्हें छुपा कर रखती हो। उस दिन मंदिर में तुम रो रही थी और आज मारने की धमकी दे दी। मुझसे प्यार करती हो लेकिन जताती नहीं, जिद्दी लड़की, मान क्यों नहीं लेती? हाथ से खून बह रहा है। तुम्हें क्या, अभी तो मारने वाली थी ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं सॉरी। सॉरी भी एक फीलिंग है, अगर प्यार करती हो तभी बांधना वरना मत बांधना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार नहीं करती तो खून बहने दो। कहा ना प्यार नहीं करती। You love me। नहीं मिल सकते तुम।
मैं नहीं मानता। बच्चे की जान लोगे क्या? गाल सुझा दिया, बांधो, मारो मत। अरे ये आंसू क्यों बहा रही हो? भूल गई ये मिट्टी तो है, ये खून पानी के साथ मिलकर बह जाएगा, यही ज्ञान बांटा था ना तुमने? हा? तुम ये तो जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम ये नहीं जानती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं कल चला जाऊंगा, ठीक 10 बजे सोलोंग वैली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर वहां आई तो हम साथ चलेंगे, दोबारा नहीं पूछूंगा, फैसला कर लो। ए, उतना नाकारा नहीं हूं जितना तुम समझती हो, एक दो अच्छी खूबियां हैं मुझ में। चलते हैं, नमस्कार, ख्याल रखिएगा। अच्छा मुझे बताओ, रंजय हंसाली ने नई फिल्म बनाई क्या? हाँ तो कृतिका और बनवीर की शादी शूट की ना उन्होंने। ये तो फिल्मों के साथ साथ असल जिंदगी में भी हिट हो गए, नाम मिलाए जोड़ी है ना। ऐसी कुछ चटपटी खबरें और सुनाओ ना। अरे नादुरी बेने अमेरिका शिफ्ट हो गई, अंबानी के बेटे की शादी हो गई, अबीना खान फिर से प्रेग्नेंट है, तो 2 बच्चे पैदा हुए। इसको उल्लू बना रहा है, उसकी तो शादी ही नहीं हुई अभी तक। वो वाला भी होता है ना, वो वाला। नमस्ते। ओके गुरु माँ, चलता हूँ। सबसे विदा ले ली, वैशाली से नहीं लोगे? नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कल वो मेरे साथ जरूर आएगी। इतना भरोसा है खुद पर? हम्म, आप खुद ही देख लीजिए। अब जरा धीरे बोलिए। नमस्ते। ओ नो नो, अभी तो मैं जवान हूँ। बाय बाय। सीढ़ी आते ही भेजता हूँ। सामने देख सीढ़ी है। चलो चलो सब बैठ जाओ, दिल्ली पहुंचना है, वक्त पे नहीं पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी। मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? बनी को दुखी देखकर हम सब दुखी हो गए। गाड़ी में बैठो। सुनो बनी, रुकना थोड़ी देर। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं आएगी। तुम्हें नहीं आना है तो मैं जा रहा हूँ। थोड़ा रुको, वो आ जाएगी। उसका दिल पत्थर का है, वो नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। चलो टाइम वेस्ट मत करो, गाड़ी में बैठो, मुझे कोई और मिल जाएगी। कहाँ जा रहे हो भांजे? दरवाजा क्या फर्क पड़ता है, मंजिल तो वही है ना। तुम सब बैठो बैठो, चलो जमने दो उसे ऊपर। चलो चलो जल्दी करो, ट्रेन निकल जाएगी। व्हाट आर यू डूइंग, लेट्स गो। भाई मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, भाई मुझे छोड़ दो। सुनो बनी को कहो कि यहाँ वापस ना आए, थंग बली के आदमी बाला को बनी समझकर उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। भाई साहब बस रोकिए। अरे क्या हुआ, बस क्यों? अरे क्या हुआ, अभी उनका फोन आया था, कह रहा था बनी को यहाँ मत ले आना। बनी है क्या? पीछे कहाँ चला गया? चेक करो जरा। हेलो, सुनो मैंने फैसला कर लिया, वैशाली के बिना नहीं आऊंगा, तुम लोग वापस चले जाओ। मेरा यकीन कीजिए भाई, मैं बनी नहीं हूँ।
क्या जाने मन, यहाँ क्या कर रही है? मनाली में पहली बार इतना रसीला एप्पल देखा है। चला जा, चल। छोड़ो मुझे। काम आ रही है। पकड़ो कपड़े से, पकड़ो से। जानता हूँ मैं तू ही है बनी। अरे बहुत तेज है ये, पकड़। किधर गई? क्या इन्होंने तुम्हें आने से रोका? तो कौन है ये? तो वो बनी कहाँ है? कहाँ छुपा है? वैशाली, वैशाली रुको, रुक जाओ वैशाली। तुम्हें आने में देर हो गई ना, आने में देर हो गई ना। तुम मुझसे मिलने आई थी ना? मुझसे मिलने नहीं आई थी, मुझसे मिलने नहीं आई थी, तो फिर वहां क्यों आई थी? बात कर रहा हूं ना उससे। अगर मुझसे नहीं तो किससे मिलने आई थी? मेरे लिए आई थी, सिर्फ मुझसे मिलने आई थी, क्योंकि मुझसे प्यार करती हो तुम। मैं नहीं करती तुमसे प्यार। मुझसे झूठ मत बोलो, सच बताओ वैशाली, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। प्लीज चले जाओ, मैं नहीं करती तुमसे प्यार, मुझे नहीं है तुमसे प्यार, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ प्लीज। प्यार क्यों नहीं करती? प्यार क्यों नहीं कर सकते? कोई तो वजह होगी, बताओ मुझे। वैशाली को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ये बनी अपने को बेवकूफ बना रहा है, उसको उसको फोन लगा, फोन लगा उसको। वैशाली, नंबर नहीं लग रहा है। कैसे नहीं लग रहा है? तू ट्राई करता रहे, ट्राई करता रहे। वैशाली, वैशाली रुको। रुक जाओ वैशाली, वैशाली, मेरी बात सुनो, वैशाली। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
उठा 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 जल्दी उठा। ए, कौन है कौन तू? हाँ? अरे वो छोड़, तू कहाँ छुप के बैठा है? मुझसे क्या काम है तुझे? मुझे मिलना है तेरे को। किस लिए बे? अरे तेरा हिसाब चुकता करना है। अभी 10 लोगों का भरता बनाया है, तेरा हिसाब करने भी आऊंगा। जैसे ही वापस लौटूंगा सबसे पहले तुझसे मिलूंगा, लेकिन फिलहाल फोन का बैलेंस कम है। अगर मुझसे बात करने का इतना ही शौक है तो मेरा फोन रिचार्ज करवा। चला फोन रख। वैशाली, वैशाली, कैमरा बैटरी चार्जिंग पे लगा देता हूँ, तेरा दिमाग भी चार्ज कर लेना। अरे तुम लोग आ गए, मेरे बेटा बनी कहाँ है? वो नहीं आया सर। अच्छा हुआ नहीं आया, यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। अब वो अकेला है। अब आपसे क्या छिपाना सर, आपका बेटा प्यार में पड़ गया। हाँ, सर प्यार में? लड़की कौन है? किसी आम लड़की से नहीं, एक सन्यासन से। सन्यासन? हाँ। से क्या जिंदगी हो गई है। बनी था तो जिंदगी का मजा ही अलग हो गया था। कितनी मस्ती करता था ना वो, मुझे तो बहुत याद आ रही है उसकी। तुम्हें नहीं आ रही है? अरे तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तुम जानती हो तुम कितनी क्यूट, छोटी छोटी आंखें और ये बड़े बड़े होंठ। वैशाली, अगर इस तरह अपने आप को आईने में निहारती रहोगी तो पहले लिपस्टिक लगाने का दिल करेगा, फिर आंखों में काजल लगाने का करेगा, फिर गालों पे लाली। अरे ये आईना ही तो मोह माया की जड़ होता है, इसलिए हम आश्रम में नहीं रखते। सारे बॉक्स लोड करो जल्दी, काम करना नहीं है इन लोगों को, सिर्फ पैसे चाहिए हैं? काम करो। आपका एप्पल का बिजनेस है? हाँ। एक बॉक्स की कीमत कितनी है? हेलो, आपको कितनी कितनी पेटी चाहिए माल? तीन? अरे यार, क्या चाहिए? पांच चाहिए, बोलो ना। हाँ? सुनिए, पांच चाहिए। ओके, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भरा ना। नहीं नहीं नहीं, अब दिखाता हूँ बनी का स्टाइल। मुझे तो सिर्फ कैश चाहिए। खुद को बहुत शान समझता है, जानता नहीं मैं कौन हूँ। तुम कितना बोलते हो, इतनी सारी बातें करने के बाद थक नहीं जाते हो? सारी बकवास बातें, क्या तुम एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते हो? एक दिन का मौन रखो तुम्हें अच्छा लगेगा और दूसरों को भी शांति मिलेगी। क्यों जी, जब फोन पे बात कर रहा था तो तुम क्या कह रहे थे? पता है मुझे कोस ही रहे होगे, पर कोई बात नहीं, मेरे बेटे की उम्र क्यों माफ किया। पर एक बात बताओ, घर से भाग के आए हो क्या? घर जाने के पैसे नहीं है तो घबराओ मत, मेरा ट्रक जा रहा है, उसमें बैठ के चले जाना। अच्छा कोई और हेल्प चाहिए क्या? नहीं नहीं, उस टाइम तुम कुछ तो कह रहे थे, बताओ ना क्या कह रहे थे। ए रुको, मेरी बात का जवाब दिए बिना ही जा रहे हो? क्यों भाई, मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ क्या? ए, 20 साल से एप्पल का कारोबार चला रहा हूँ यहाँ। क्या तो क्या हुआ, यहाँ का हर आदमी मुझे सलाम करता है, तू मेरी इज्जत का जुलूस निकाल रहे हैं? ए, बात कर मुझसे, बात कर। कब से भौंके जा रहा हूँ और तू मुझे पीठ दिखा रहा है? मुंह खोल अपना, अपना मुंह खोल, कुछ बोल। ए, तू मुझे जानता नहीं है, मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा और फिर उनका चूरमा बना दूंगा। शराफत से बता क्या बोल रहा था, वरना शराफत भूल जाऊंगा। मुझे गुस्सा मत दिला, इसने तो मेरा ही चूरमा बना दिया। वैशाली, वैशाली, एक बात तो तय है, तुम्हें बनी से प्रेम हो गया है। नहीं गुरुमा। नहीं बेटा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं मुझे तुम बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसू मत रोको, रो लो, अपने दिल का गुबार निकाल लेना चाहिए। मैं नहीं करती उससे प्यार। अपने प्यार को मत मारो, सन्यासी होना जरूरी नहीं है। तुम्हें यहाँ किसी ने कैद नहीं किया है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, जिंदगी का तजुर्बा लो, जियो उसे। बनी से शादी कर लो बेटा, उसके साथ रहो, अपना परिवार बनाओ, जिंदगी की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लो, फिर यहाँ आ जाना, हम तो यहीं हैं। वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अच्छा आदमी है वो। यकीन से कह सकती हो? पूरे यकीन से कह सकती हूँ। वो यहीं है या चला गया है? ये तो नहीं जानती, अब तक तो शायद वो निकल चुका होगा। उसका फोन नंबर है, उसे फोन करो। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगर तुम्हारी फीलिंग्स जाग जाए मिस्ड कॉल दे देना। एक मिनट। कहाँ गया वो, कहाँ चला गया? यहीं पर तो था, यहीं पर तो था। वैशाली,
यही है ना तुम्हारा विजिटिंग कार्ड? वैशाली, ये कहीं नहीं गया था। पिछले दो दिनों से आश्रम के गोल गोल चक्कर काट रहा था। क्यों रे, अगर इसका हाथ तेरे हाथ में दे दिया तो क्या करेगा? हाँ, अरे बाबा, इसको ले जाके बेच देगा, इसको सूली पे टांग देगा। ओह, तो इसके साथ शादी करेगा, कितना अच्छा बच्चा है। वैशाली, ये चोरू का गुलाम बनेगा। बनी बेटा, वैशाली तुमसे बहुत प्यार करती है। कल से ये सन्यासन नहीं रहेगी, कल आश्रम आ जाना, अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूंगी। ये देखो, उसका नंबर भी मिल गया, पर वो नहीं मिला, और मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। लेकिन इस नंबर से वो अभी इस वक्त कहाँ है पता चल सकता है क्या? मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। तो ढूंढो, आसमान में हो या पाताल में, उसे वहीं गाड़ देंगे। स्वामी बाबा, कहाँ है आप? कड़क 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 कड़क, नोट ले आ बच्चा। ऑटो के पैसे नहीं थे तो लिफ्ट लेकर आ गया, बीवी से मिलने आया था, वो शहर छोड़कर चली गई। कहाँ गई? जमीन निगल गई के आसमान? हम आपकी बीवी को ढूंढ निकालेंगे, बस हमें बताइए BSF के साथ में क्या हुआ था। आगे का एपिसोड, हेलीकॉप्टर सीन, मुझे बॉर्डर ले गए। इंडिया को चलाना चाहते हो? मोटा भाई, मैं माचिस की तीली नहीं जला सकता, छोड़ दो साहब, बीवी इंतजार कर रही है, इकलौती बीवी है। बीवी इंतजार कर रही है? आजा, तुझे मिलवाता हूं तेरी बीवी से। मम्मी, वहां पर तंबू गाड़कर थोड़े दिन में रहा, पर मौका मिलते ही मैं वहां से फरार हो गया। कांटे वाली तार मैंने पार की, लेकिन वो चुप गई। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान पहुंच गया। हाँ? मेरे सामने थे अलकायदा टेररिस्ट। खोते कौन है तू? हूँ मनुष्य, हरकतें बंदर जैसी है। किधर से आया? मैं गुजरात बॉर्डर ईद मुबारक करने आया। ये धंधे छोड़ दीजिए, आधा वर्ष है। उन्होंने धंधा नहीं छोड़ा, 4 साल बका, मुझे धंधे पे लगा दिया। जी हाँ। पापा! अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं क्या बहरा हूँ? मुझे अपना प्यार मिल गया है। हाँ बेटा, मुझे पहले ही पता, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उससे मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, कल गुरु माँ उसका हाथ मेरे हाथों में दे देंगी। लड़की बेचारी अनाथ है, तो हमारी लव स्टोरी में उसकी तरफ से कोई विलन नहीं होगा। आप भी ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, वैसे भी आपकी सुनता कौन है। एक बात और, हमारा शूट किया हुआ प्रोग्राम टीवी पर आने वाला है, उसमें आपकी होने वाली बहू भी है, हो सके तो देख लीजिए। ठीक है। प्रोग्राम कितने बजे? अभी हम है हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली में, माँ टीवी आपको दिखाएगा सन्यासियों का जीवन। ये वो लड़की सोलांग वैली के इस आश्रम में कई सारी औरतें अलग अलग धर्मों और प्रांतों से आई हैं, जो यहाँ एकत्र रहती हैं। हथियारों की ट्रेनिंग के बाद मैं उनके तरह ही बन गया। बैंक में प्रमोशन नहीं मिला, वहां जरूर मिल गया।
ये क्या तेरे को मालूम? ये लकड़ी है। ओए खोते का बच्चा, ये लकड़ी नहीं, अमेरिका का ट्विन टावर्स है। ट्विन एटले? टावर्स, टावर्स। एक फ्लाइट हाईजैक करके इसको ब्लास्ट करना है। तुम्हें ये ऑपरेशन करेगा? जी हाँ, जी करेगा। हाँ गांडा हो, मैंने गांडा हो करी नाक्षे। मतलब आपने ट्विन टावर्स को उड़ाया, ये सच है क्या? आधा सच। प्लेन में मैं कभी बैठा नहीं था ना, इसीलिए सोचा अमेरिका जाकर ओबामा भाई से मिलूंगा, पर पासपोर्ट नहीं था ना, इसलिए लात मार कर निकाल दिया। बिना चप्पल इंडिया आए, इसलिए पैरों में बड़े बड़े फोड़े पड़ गए, उसी पैर से हिमालय चढ़ गया, साधु बन गया, नाम हो गया बाबा शंकर। तभी से मैं ब्रह्मचारी बन गया। लेकिन कभी कभी बीवी का फिगर याद आता है। रिप्लेसमेंट में किसी की बीवी हो तो बता देना। पता चल गया है, वो हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू मनाली में। वैशाली, जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो तुम्हें क्या लगा था? मवाली। और उसके बाद? बेवकूफ। और अब क्या लगता है? अभी भी तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचती हूँ। अच्छा। बस बात यह है कि तुम्हारी संगत का असर अब मुझ पर भी पड़ने लगा है। वैसे खूबसूरत लड़कियाँ अक्सर इडियट से ही प्यार कर बैठती है। True. चूड़ियाँ लेने का मन है? अरे तुम्हें ठंड लग रही है क्या? अच्छा एक मिनट, तुम यहीं रुको, मैं स्वेटर लेके आता No!
बचाओ मुझे। अनाथ है बस इतना ही जानती हूँ। उसने अपने बारे में मुझे इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं बताया। क्या रे क्या रे, हम लोगों को धोखा दे रही थी? बोल कहाँ मुंह काला कर रही थी? झोंपड़ा दिखा अपना, कहाँ मुंह मार रही थी? तो कुल्लू मनाली में छुप के बैठी थी तुम? दो साल से, पूरे दो साल से हम पागलों की तरह तुझे पूरे देश में ढूंढ रहे थे। अगर तुझे टीवी पे नहीं देखते तो पता भी नहीं चलता कि तू कहाँ छिप के बैठी हुई है। पहाड़ में जाके बैठ गई थी। सन्यासन बनना था, बनाती हूँ तुझे सन्यासन। क्यों रे, बनाएगा ना मेरा बेटा तुझे सन्यासन? क्या कहा, वैशाली वापस आ गई? हाँ। खुद की मर्जी से आई है या आप लेकर आए? हम लेके आए उसे। माता जी फोन पे क्या बोल रहा है? वैशाली वापस आ गई। वैशाली घर पे आ गया, वैशाली घर पे आ गया, वैशाली। तू वैशाली को जानता है क्या? हम उसको बिल्कुल नहीं जानता साहब जी, लेकिन आपका माँ खुश है तो हम भी खुश है। वो लोग मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन वो वहाँ वैशाली को लेने आए थे। मैं जानना चाहता हूँ वो उसके पीछे क्यों पड़े। मैं वैशाली को ढूंढ निकालूंगा। मैं उसे लेने जा रहा हूँ पापा। ऐसा मत करो बेटा, वो लोग तुम्हें मार देंगे। वो लोग पहले ही तुम्हारे खून के प्यासे हैं। मेरी बात मानो बेटा, वहां मत जाओ। बनी, यही वो घर है। तुम लोग जाकर पूछताछ करो। ठीक है, तू बाहर मत आना। भाई सिगरेट है क्या? यहाँ पर क्या करने आए हो? उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो मार देंगे। तुम हो कौन यार? तुम ही ने तो इन लोगों से मेरी जान बचाई थी, तुम्हें याद नहीं क्या? ओ, तो वो तुम हो। तुम इन लोगों को जानते हो? हाँ जानता हूँ। मेरी थोड़ी मदद करोगे? बोलो। जिससे मैं प्यार करता हूँ इन लोगों ने उसे किडनैप किया है। तो क्या तुम वैशाली की बात करो? क्या तुम वैशाली को जानते हो? हाँ, वो लोग वैशाली और मुझे मारना चाहते थे। जानना चाहते हो वैशाली कौन है? नारायण पटवारी की बेटी है वो। नारायण पटवारी की शहर में बहुत धाम थी। ये काम हो जाना चाहिए आज के आज, समझे? मैं और थंगाबली, जीवा, रंगा, हम लोग उसके लिए काम करते थे। वैशाली उनकी इकलौती बेटी थी। उस थंगाबली और जीवा की उनकी प्रॉपर्टी पर नजर थी। पटवारी साहब, मैं सोच रहा था आप अपनी बेटी की शादी तंगबली के बेटे रंगा से करवा। क्या बोला? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचने की? और तू मेरी बेटी से शादी करेगा? तू और तेरा बाप दोनों मेरे टुकड़ों पे पलते हो। नौकर हो, नौकर बन के रहो, अपनी औकात में रहो, और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाइए। मैं तेरा नौकर नहीं, मैं तेरा पार्टनर हूँ, भूल गए? लेकिन अब से तेरी मेरी पार्टनरशिप खत्म।
उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। हे रंगा, इसके गले में मंगलसूत्र डाल, इसके बाप की नजरों के सामने शादी कर। क्या कर लेगा तू? बोलो क्या कर लेगा? अब तुम्हारी जायदाद हमारी। मैं किसी तरह वैशाली को लेकर वहाँ से भाग गया। जल्दी करो, जल्दी। वो रहे दोनों, पकड़ो। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। वो देखो, वो देखो, वो रहे। पकड़ो। हट, हट। मैं किसी तरह उनके चंगुल से बच गया, लेकिन वैशाली को खो बैठा। लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उस समय तो मैंने वैशाली को बचा लिया था। पता नहीं अब मैं उसे बचा पाऊंगा कि नहीं, पर तुम्हें उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ? उससे प्यार करते हो अच्छी बात है, पर थंगबली के घर से लड़की को भगाना असंभव है, और वैसे भी तो उसकी शादी हो चुकी है। कोई जबरदस्ती मंगलसूत्र पहना है तो उसे शादी नहीं कहते हैं सर। ये हम जानते हैं, पर इस बात को तुम प्रूव कर पाओगे क्या? उनके मुताबिक पटवारी को किसी और ने मारा, उल्टा वो उस घर के केयरटेकर बनकर बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि कत्ल उन्होंने ही किया, लेकिन कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं किसी तरह उसे वहां से निकाल भी लूं, तो उसकी बहू को भगाने का केस लग जाएगा मुझ पर। साफ शब्दों में कहूं तो मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। थैंक यू सर। ए सुनो, तुम्हारा नाम बनी है ना? रंगा को तुमने मारा था? हाथ मिलाओ। अरे मिला भी लो। वहां जाना और एक एक की हड्डी पसली तोड़कर आना। कानून का मामला मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर। जाओ, सबको छठी का दूध याद दिला दो। वैशाली थोड़ा सा खा लो। नहीं खाना। ये सारे नखरे किसी और को जाके दिखाना, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। चुपचाप खा ले। मुझे तू नहीं, तेरी जायदाद चाहिए। अगर जीना है तो मेरे रंगा की बीवी बन के जी। अगर जिंदगी मुश्किल लगे तुझे तो मर जाना, नहीं तो मैं ही तुम्हें जला के मार दूंगी। समझी ना? ए, समझा इसे। ए, अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, सबके सब गुंडे लग रहे हैं। वैशाली तो यहीं पर है, मुझे वैशाली से एक बार मिलना ही होगा। ये नामुमकिन है। वैशाली को उस घर में कैद करके रखा है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो नहीं जानते मैं कितना खतरनाक हूँ। ए, पावर ऑफ कर। नहीं नहीं बनी, तुम रिस्क मत लो। एक बार पावर ऑफ हो जाए तो वैशाली से जाके मिल लूंगा, हो सके तो उसे लेकर आऊंगा, ना हो सके तो किसी को मार के ही आऊंगा। पावर कट कर। जोर से। अबे लाइट का बिल नहीं भरा था क्या? अबे जल्दी से मोमबत्ती जला भाई। ये गवर्नमेंट कभी नहीं सुधरेगी। आप जरा मिनिस्टर को फोन तो लगाओ, दो दिन की कुर्सी हिला देते। हाँ लगाते हैं। अबे मोमबत्ती बना के ला रहा है क्या? अबे ए हंडे वाले, सुनाई नहीं दिया क्या? वो हंडा नीचे रख और जाके मोमबत्ती जला। इस घर में इतने सारे नौकर भरे हुए हैं, लेकिन अक्कल नाम की चीज किसी में भी नहीं है। ये लो। मोमबत्ती जलाने में इतना टाइम लगता है क्या? पूरा घर अंधेरे में है, कुछ नहीं दिख रहा। मैं कहीं गिर ना जाऊं। ए, उधर क्या जा रहा है? उसके कमरे में रख। बेवकूफ। अरे
वैशाली, यहां से जाने के लिए तैयार हो। यहाँ क्यों खड़ी है? भागने का सोच रही थी? हाँ, कहाँ भागेगी तू? कहाँ भागेगी बता? आज तेरी औकात दिखाऊंगी मैं तुझे। चल, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई भागने की? हाँ? अपने आप को शानी समझती है? बोलो बनी, पावर ऑन कर। तू दिखाई दिया तो वो मार डालेंगे। जो बोल रहा हूँ कर, पावर ऑन कर। चल, चल चुप जाओ। शुक्र है, बिजली तो आ गई। चल, तुझे दिखाती हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की प्लानिंग बना ली थी इसने। बोल ना, कहाँ भाग के जा रही थी? रंगा को आ जाने दो, वही तुझे ठीक करेगा। तेरी लगाम वही खींचेगा। पावर फिर से ऑफ कर, ऑफ कर दे। टांगे तुड़वाती हूँ तेरी। हे भगवान, फिर से लाइट चली गई। ये क्या चल रहा है? आ रही है, जा रही है, आ रही है। ए, बिजली वालों को फोन करो। अगर फिर से बिजली गई ना तो एक एक को छोड़ूंगी नहीं। नहीं। अरे क्या हुआ? कौन है? किसने मारा मुझे? कौन है? पकड़ो उसे। देखो कौन है वो जिसने मुझे मारा? ढूंढो उसे। करेले का जूस लीजिए बाबा जी, ये पीने के बाद आपके अंदर की भड़ास निकल आएगी। चुप रहे, लेवी खोइए, तब से कड़वे घूटी पी रहा हूँ। खड़े जज्बातों को समझो, बीवी दिला दो। तुम लोग तो यहाँ मुंह मारते फिरते हो। ये लो, मेरी हूर परी कमसिन कली को भी ढूंढ के दे दो, वो दिखाई करवा दो। How you know my body? वो तो हमारे बहुत खासम खास है। खासम खास? मेरे मतलब हम शूट करने गए थे मनाली की पहाड़ियों में, वहीं मुलाकात हुई और अच्छे दोस्त बन गए। मेरी गलूड़ी मनाली में। बिल्कुल, आपने उसे छोड़ा, फिर उसने किसी और को छोड़ा, सन्यासन की साड़ी पहन के सन्यासन बन गई। अभी वो मनाली में सेटल्ड है। बता देते, मैं भी तो रोहतांग पास के पास था। पता नहीं था ना, नहीं तो बाइडी मिलाप करा देते। हाँ। तुम लोगों को एक मांगो दस मिलते हैं, लेकिन मुझे इस उम्र में कौन मिलेगा भला? बरसों से दिल का रेगिस्तान सूखा पड़ा है, मेरे इस डंडे का कोई तो सहारा बने। आप फिक्र मत कीजिए बाबा जी, मैं आप दोनों का मिलाप कर दूंगा, बस ये जूस पी लीजिए। हो जाएगा, काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक से सजाना। ठीक है भाई। ए उठ उठ रे, अच्छे से सजाना। आज मेरा बेटा हॉस्पिटल से अपने घर आ रहा है सुहागरात मनाने तेरे साथ। इतना डर क्यों रही है? हाँ, सुहागरात नहीं मनाएगी मेरे बेटे के साथ? मेरा बेटा तुझे पसंद नहीं है? तू खुशकिस्मत है कि तुझे रंगा जैसा पति मिला है। लड़कियाँ मरती हैं उसे अपना पति बनाने के लिए, लेकिन उसने सिर्फ तुझे चुना है। चमक चलो गिदिरा, लेके जा इसे। ए, इसे तैयार करके ला, और तू इससे कुछ सीख ले। इसे भी हम तेरी तरह उठा कर लेके आए थे। अब देखो इसे, कुछ दिनों के बाद तुझे भी आदत पड़ जाएगी ये सब की। कैसा है रंगा? पहले से बेहतर हूँ। जल्दी से घर आ जा, आज तेरी सुहागरात है। आज मेरी सुहागरात है? ये सुहागरात में कितना लोग होता है? सिर्फ दो रे। आहा, हमको तो अब पता चला है कि सुहागरात में तीन नहीं दो लोग होता है, तभी मजा आया था। रंगा बेटा, सुहागरात पे क्या क्या हुआ, मुझसे कुछ नहीं छुपाना, सब सब साफ साफ बता देना। बनी, आज वैशाली की रंगा के साथ सुहागरात है। सुहागरात? बनी, शुरू आया है, उसने हमें देख लिया है। ए, तुम लोग यहां से निकल जाओ। ठीक है, हम लोग निकलते हैं। भाई
कैसे बोल सकते हैं? बाजू वाले को फोन दे बाजू वाले को। अरे अरे ठीक से देख, कोई तो होगा बाजू में। क्या हुआ भाई? और क्या होगा, बस कमीने, अब इन लोगों को मैं इनकी औकात दिखाऊंगा। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? आपका अपना चहिता बनी बोल रहा हूँ। बनी? कौन बनी? भूल गए? इतनी जल्दी याद दिलाऊं? वो रंगा उड़ गया होगा तो उससे पूछ लीजिए। क्या यार, आपको ठीक से बदला लेना भी नहीं आता क्या? हाँ, मुझे मारने वाले थे, उसका क्या हुआ? मैं खुद ही आपको फोन करके याद दिला रहा हूँ। इधर दे, बनी के बच्चे। मुझसे मिलने आ, मुझसे मिलने आ, आ जा, तुम्हें आ गया। तेरे शहर में बैठा हूँ, क्या कर लेगा? आज मैं तुम सबकी बैंड बजा के ही रहूंगा। सुन तो, तू इधर आ, मेरे घर पर आ। अरे क्या कर लेगा तू, बताना कमीना। वो बनी वापस आ गया शहर में, वो जहाँ कहीं भी हो ढूंढ के ला उसे। जल्दी जाओ, छोटा बाल। अरे निकल, गाय। क्या वो घर के बाहर ही है? पापा, मैं हॉस्पिटल से निकल ही रहा हूँ, उसे किसी भी हाल में जाने मत देना। साहब जी, डिस्चार्ज होने के लिए इस पर साइन करना पड़ेगा। एक बेड खाली रखना, उसको जरूरत। वेलकम बैक। सुना है कोमा में थे, मेरी शक्ल याद तो है ना? तेरी तो। तू सोच रहा है मैं पुराना हिसाब चुकता कर रहा हूँ क्या? ये नया खाता है। तुझे एक और गुड न्यूज दूँ, ये जो तेरी बीवी है ना वैशाली, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। होश उड़ गए ना? वैसे सुना था आज तेरी सुहाग रात है, हाँ? सुहाग रात मनाने लायक छोड़ूंगा। थोड़ा दर्द होगा, अच्छा होगा इसे जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाएगा ये। तो मुझे थोड़ी सी बर्फ दीजिए और एक छोटा सा पंखा मंगवाइए।
हाँ मैडम, डॉक्टर ने जो बोला ले गया। हाँ जी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही ठंडा हो चुका है, फैन से कुछ नहीं होगा। मुबारक हो, आपका बेटा बहुत स्ट्रांग है। मैं जानती हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? उसके टेस्टिकल्स पर एक जोरदार किक पड़ने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जो हेमरेज की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे हम स्क्रोटम हीमाटोमा कहते हैं, जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए इम्पोटेंसी भी हो सकती है। क्या बोल रहा है? छोटा मुंह बड़ी बात, क्या इंग्लिश था, हम समझाएगा। बोल बोल। हम इस गैंडे के दिमाग में कैसे बात घुसाएगा? हाँ जीवा जी, बल्ब देखा है? उसके अंदर एक तार होता है, जब तार टूटता है ना तो बल्ब नहीं जलता है, इनका फ्यूज उड़ गया। अब कैसे बढ़ेगा आपका वंश आगे? रंगा भैया का सुहागरात था, अब तो इनकी जिंदगी के निकल गए धागे। चुप रहे, गाना बंद कर। पापा, वो बनी और वैशाली एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? इससे पूछो कि इसका यार कहाँ है, पूछिए इससे। बता, बता कहाँ है वो, बता कहाँ है वो। बोल। प्यार हो गया उससे? तू बहू है इस घर की, उससे प्यार कैसे कर सकती है? बोल, कहाँ है वो, बता कहाँ है वो, कहाँ है? बोल। हेलो, वो लोग वैशाली को बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं, तुम आके उसे यहाँ से ले जाओ बनी। सर, आपको उनके खिलाफ सबूत चाहिए और मुझे वैशाली चाहिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? 2-4 घंटों के लिए ये इलाका मेरे हवाले कीजिए, बस इतना काफी होगा। तब तक मैं क्या करूंगा? माँ टीवी का TRP बढ़ाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ बॉस? वो बनी ने शेरू भाई के सर पर डंडे से मारा, बहुत खून बह रहा है बॉस। अभी वो कहाँ है? कहाँ है? अब सीधा घर में घुसूंगा। नहीं बनी, वो लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। पहचान लेंगे तो शायद बच भी जाएंगे, नहीं पहचान तो खत्म हो जाएंगे। अब चाकू देना। अब इनमें से कोई नहीं बचेगा। भाई, भाई, हमारे शेरू भैया को किसी ने मारा। अरे रुको रुको यार, रुको। शेरू भैया को बुरी तरह से मारा है। तू कौन है? सलाम वालेकुम साहब, आप उनका नाम बशीर है साहब। वो बनी ने हमला किया, मैं आपको बताने आ रहा था तो आप उनको भी चाकू मार दिया। छोड़ना मत भाई उसको। ए, तूने उसको कहाँ देखा? इधर ही भाई, गली के पास में। ए, क्या? उठो उसको, छोड़ना मत, जल्दी चलो, चलो उसको, चलो। शेरू भैया उठो, चलो भैया, कहाँ जाएगा भाग के? शेरू भैया, ए साइड में हट, हट रहा है तू। इस एरिया का तो नहीं लगता, तुझे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आप बैठो, आप क्यों उड़ गया? बैठो, कहाँ जा रहा है? हे भगवान, ये नहीं माने, पकड़ो उसे। वैशाली चलो, जल्दी मार दूँगा। ए रुक रुक। अरे माँ को क्या हो गया, कोई आके देखो। सब्जी इतना चलेगा तो बाद में कुछ नहीं चलेगा। मेरी गल्ला। भाई जो भाई, उठ जाओ भाई, इस तरफ जाओ। Ha ha ha!
बनी, भाग यहाँ से, मेरी फिक्र मत कर, जा। छोड़ उसे। बनी। सुने? चली जाओ, मैंने कहा जाओ, कहा ना जाओ। खत्म कर दो इसको। इस वक्त से जाने दो, जाओ। मैं राजेश, राजेश उठ चलो, अरे कोई तो अस्पताल ले चलो। रुक जाओ, आ गया वो। उस तरफ देखो। तो सही कौन है? छोड़ मेरे बेटे को। कैमरा ऑन करो, सुनी तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो, ठीक है? सब लोग अपनी पोजीशंस ले लो। ओके रेडी, ऑन 6 5 4 3 2 1। ऊपर गया, ठोक दो। सही निशाना लगाओ। मुझे जाना है उसके पास। चलो अपनी पोजीशन ले लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए, समझे? मैं हूँ सोनिया मां टीवी से, और आज की ब्रेकिंग न्यूज है, शहर में आज बहुत बड़ा हादसा हुआ।
थंगबली और जीवा के आदमियों ने दो प्रेमियों पर घातक हमला किया और उन्हें मौत की घाट उतारने की कोशिश की। अब तक उनके किए हुए गुनाहों के कोई सबूत नहीं थे, पर आज हमारी चैनल ने उनके कारनामे लाइव रिकॉर्ड किए है। यहाँ तक कि उनके दोस्तों को भी मारा और धमकाया गया। ये ऐसे दरिंदे हैं जिन्होंने एक औरत पर भी हमला किया, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस का कहना यह है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। हमारी मांग पुलिस से है कि मेरे बेटे को बाहर भेजें, दरिंदों को पकड़ा जाए। आगे की और खबरों के लिए इतना सबूत काफी है। चलो हुआ या नहीं? हाँ बेटा, टेलीकास्ट हो गया है। तो पुलिस कब आएगी पापा? वो लोग निकल चुके हैं, चिंता मत करो, वो लोग आ रहे हैं। हमेशा लेट आते हैं। तुम कहती थी ना शरीर सिर्फ मिट्टी होता है, मिट्टी से इतना खून आता है क्या? तुम्हें लगता है मैं मुस्कुरा रहा हूँ, पर दर्द से जान जा रही है। चलो पुलिस भी आई गई, आओ आओ जल्दी आओ। शादी के बाद क्या वैशाली एंड फैमिली? गुरुमा, अरे वैशाली, अरे गुरुमा, हाय लागू, कैसी हैं आप? रहो, कैसी हो बेटा? एकदम खुश तो हो ना? कब आए? आज ही कुछ देर पहले। यहाँ सुहागरात मनाने का प्लान। देखो, जब इस गुफा को देखा था तभी मैंने इसे बुक कर लिया था। अब 3 दिन यहाँ बिल्कुल मत आना। अरे अरे शिवानी जी, आपके लिए भी एक खास सरप्राइज लाया हूँ। जरा वहाँ देखिए, पहचाना उन्हें? गलुड़ी। ओ मेरे पति परमेश्वर, इतने दिनों से तुम कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? बड़ी लंबी कहानी है, but I missed you darling. Me too darling. अभी जा प्रिय प्राणेश्वरी। अच्छा सुनो, हम लोग जाते हैं यहाँ से, वरना मेरे आश्रम की सारी सन्यासी ने शादी के सपने देखने लगेंगे। जाओ यहाँ से, खुश रहो।